कानपुर में जीका वायरस संक्रमण का कहर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार दोपहर में आई रिपोर्ट के अनुसार कानपुर में 16 नए जीका वायरस संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अब कानपुर में जीका वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 105 हो गई है। शनिवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक 9 पुरुष और 7 महिलाएं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंगलवार को आई रिपोर्ट में हरजिंदर नगर, पोखरपुर, तिवारीपुर बगिया और काजीखेड़ा मोहल्ले के रहने वाले लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। वहीं कानपुर में सबसे ज्यादा जीका वायरस के मरीज एयरफोर्स परिसर, तिवारीपुर बगिया, बदलीपुरवा, ओमपुरवा, काकोरी, लाल बंगला, हरजिंदर नगर, आदर्श नगर, लाल कुर्ती, काजीखेड़ा, कोयला नगर, गिरिजा नगर, तुलसी नगर, भवानी नगर एवं श्याम नगर ई ब्लॉक क्षेत्र में जीका वायरस संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जीका वायरस के संक्रमण के लक्षण वाले बुखार पीड़ित और गर्भवती महिलाओं के सैंपल एकत्रित किए हैं। अब तक 3,767 से अधिक लोगों के सैंपल एकत्र करके जांच के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो जीका वायरस संक्रमण नवम्बर माह में तेजी के साथ बढ़ सकता है। इसके चलते मरीजों की संख्या में आने वाले दिनों में तेजी से इजाफा होगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में भी जीका वायरस से लड़ने के संपूर्ण इंतजाम किए जाएं। प्रत्येक पॉजिटिव केस को हेल्थ डिपार्टमेंट के आरआरटी टीम के द्वारा घर घर जा करके उनका विजिट करके उनका वाइटल्स लिया जा रहा है और उनको जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में सलाह भी दिया जा रहा है। सोर्स रिडक्शन, साफ सफाई और सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है और जो जीका पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लगातार उनसे फीडबैक लेने के लिए, उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए ICCC में जीका कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा सुबह और शाम जीका पॉजिटिव पेशेंट से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की जा रही है और उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। जीका के रोकथाम हेतु आप सब लोगों से अपेक्षा है कि घर के अंदर साफ पानी एकत्रित ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। इस बीच जीका प्रभावित क्षेत्रों में सर्विलांस टीमें लगाई गई है। घर घर में सर्वे, सैंपलिंग, सोर्स रिडक्शन, साफ सफाई, दवा छिड़काव और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।